हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डायमीटर ऑफ एलिप्स। एक कॉन्सेप्ट है डायमीटर ऑफ एलिप्स। हमने सर्कल में पढ़ा था डायमीटर। सर्कल में सभी लोग जानते हैं डायमीटर क्या होता है। डायमीटर जो कि सेंटर से पास करता है, जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ जो कॉर्ड रहती है, सबसे बड़ी कॉर्ड रहती है जो सेंटर से पास होती है। लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ एन एलिप्स इज कॉल्ड ए डायमीटर। मतलब आपको सिस्टम मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, मतलब पैरेलल कॉर्ड्स के जो फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है, नंबर ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है, उनके मिडिल पॉइंट्स को लेके अगर ज्वाइन करते हैं तो एक डायमीटर बनता है। सर्कल में भी तो यही है। अगर सर्कल में सारे कॉर्ड लेते हैं हम और उनके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो डायमीटर ही बनेगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं, इसमें समझते हैं, इस एलिप्स में देखते हैं हम। ठीक है, एक एलिप्स कंसिडर किया हमने और एक पैरेलल लाइन हमने ड्रा करते जाते हैं। ये देखें, ये पी और क्यू एक ले लिया, इसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ये पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। पैरेलल कॉर्ड है ये पैरेलल कॉर्ड है। ठीक है, इनके अगर मेट पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं, ध्यान देना, इनके जो मिडिल पॉइंट को अगर सबके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इतना तो याद है आपको कि सेंटर से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड को सेंटर बाइसेक्ट करता, सेंटर इसी से पास होगा। ये देखते हैं, इसको मिलाते हैं, ये जो मिला दिया तो ये डायमीटर बन जाता है कि ए और बी डायमीटर है यहाँ पर। ठीक है, सपोज ये जो लाइन है इसको हम लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम को फिक्स रखते हैं और सी को पैरामीटर रखते हैं तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, और ये हमारे पास जो एलिप्स है ये हम कंसिडर करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। हमारे पास एलिप्स है, इसमें ध्यान दें ये कॉर्ड है, एक कॉर्ड को कंसिडर करते हैं, ये पी और क्यू पॉइंट पे ये कट करती है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सपोज ये पी के पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन लेते हैं और क्यू पॉइंट से एक्स टू कॉमा वाई टू है। ठीक है, तो इसमें देखें हम एलिप्स की इक्वेशंस और लाइन की इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ ए लाइन है, जो फैमिली ऑफ लाइन है, इन दोनों की इक्वेशन से हम वो दोनों को लेके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अगर हमारा पास फर्स्ट है और ये सेकेंड है तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में ध्यान दें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई की जगह लिख देते हैं एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो पी एंड क्यू पॉइंट आएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। देखें इसमें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को देखते हैं, ये तो आ गया बी स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर राइट। ठीक है, एक्स के कोफिशियंट को देखते हैं
एक्स के कोफिशियंट आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं इसको होल स्क्वायर खोलते हैं तो टू सी एम ए स्क्वायर ट्वाइस सी एम ए स्क्वायर एक्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम देखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर अगर यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम तो ध्यान दें इसमें सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, इसके टू रूट्स होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू रूट्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू इस एलिप्स को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट पर, ये पी एंड क्यू पॉइंट पे, और इसका जो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड, एक पैरेलल कॉर्ड कंसिडर करते हैं, एक कॉर्ड पी क्यू, इसका मिडिल पॉइंट को आर लेते हैं, आर के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के लेते हैं, जिसका आर का लोकस हम फाइंड करेंगे, आर का हम लोकस फाइंड करेंगे। आगे देखते हैं तो पी और क्यू जो यहाँ पर है, पी एक्स वन कॉमा वाई वन है, क्यू एक्स टू कॉमा वाई टू है, इसको आगे देखते हैं तो इसमें एक रिलेशन आएगा, इसके रूट्स ले लेते हैं एक्स वन कॉमा एक्स टू, एक्स वन कॉमा एक्स टू ये इसके रूट्स है, रूट्स इसमें आ जाते हैं आपके, तो रूट्स का सम होगा एक्स वन प्लस एक्स टू सम ऑफ रूट, फिल भी यहाँ पर देखें x की टर्म्स माइनस टू सी एम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये देख लें सम ऑफ रूट ये होता है। और हमारे पास क्या है, जो r पॉइंट है मिड पॉइंट है, r पॉइंट मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट h कॉमा k है, तो अगर मिड पॉइंट का अगर यहाँ पर देखते हैं हम, ये मिड पॉइंट पी एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एच आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू दैट इज इक्वल टू एच, यहाँ टू से डिवाइड करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाय टू दैट इज इक्वल टू माइनस सी एम ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इसको लिखते हैं एच, हमारे पास एच आ जाता है एच इज इक्वल टू माइनस सी एम ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, मतलब हमें लोकस फाइंड करना है, एच और के में रिलेशन होना चाहिए बीच में, मतलब एच और के में रिलेशन और अदर कोई भी पैरामीटर नहीं होना चाहिए, एम तो फिक्स रहेगा हमारे पास, ए भी फिक्स है, लेकिन सी जो पैरामीटर है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, तो सी के वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा सा ध्यान दें, चलो मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन है ये कहाँ से पास हो रही, एच कॉमा के से पास हो रही, ये पास हो रही आर से, एच कॉमा के आर को ये सेटिस्फाई करती है, तो हमारे पास क्या आ जाता है के इज इक्वल टू एम एच प्लस सी, सी आ जाता है हमारे पास के माइनस एम एच, तो वैल्यू आ जाती एच इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखें इसमें एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू माइनस के एम एच एम ए स्क्वायर, इसको लिख देते ए स्क्वायर एम स्क्वायर पहले लिख देते प्लस बी स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई करते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका करते हैं हम, तो देखें इसमें एच ए स्क्वायर एम स्क्वायर एच बी स्क्वायर, इधर माइनस माइनस के एम ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर एच,
देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ये कट हो जाएगा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो के इज इक्वल टू आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, यहाँ पर एम आ जाएगा इंटू एच। अब एच और के की जगह एक्स और वाई पुट कर देंगे, ये हमारा लोकस आएगा। थोड़ा तो ध्यान से देखें तो वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एम एक्स। ये देखो इक्वेशन ऑफ डायमीटर आ जाती है, ध्यान से इक्वेशन ऑफ डायमीटर। अगर एम फिक्स है हमारे पास तो उसके अकॉर्डिंग ये डायमीटर आता है। एम अगर पैरामीटर है, एम को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू से अगर हम चेक लेते हैं तो डायमीटर भी डिफरेंट डिफरेंट हमको मिलेंगे।